मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय चार। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय चार। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हरेक जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे कि आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। सो वे अपनी तलवारें पीट कर हल्के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे, तब एक जाति दूसरे के विरुद्ध तलवार न चलाएगी और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, वरन वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको न डराएगा। सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों और बरबस निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सबको इकट्ठे करूंगा और मैं लंगड़ों को बचा रखूंगा और दूर किए हुओं को एक सामर्थ्य जाति कर दूंगा और यहोवा उन पर सियोन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। और हे एदेर के गुम्मट, हे सियोन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। अब तू क्यों चिल्लाती है? क्या तुझ में कोई राजा नहीं रहा? क्या तेरा युक्ति करने वाला नाश हो गया जिससे जच्चा स्त्री की नाई तुझे पीड़ा उठती है? हे सियोन की बेटी, जच्चा स्त्री की नाई पीड़ा उठाकर उत्पन्न कर, क्योंकि अब तू गढ़ी में से निकलकर मैदान में बसेगी, वरन बाबुल तक जाएगी, वही तू छुड़ाई जाएगी, अर्थात वही यहोवा तुझे तेरे शत्रुओं के वश से छुड़ाएगा। और अब बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध इकट्ठा होकर तेरे विषय में कहेगी कि सियोन अपवित्र की जाए और हम अपनी आंखों से उसको निहारें, परंतु वे यहोवा की कल्पनाएं नहीं जानते न उसकी युक्ति समझते हैं कि वह उन्हें ऐसा बटोर लेगा जैसे खलिहान में पुले बटोरे जाते हैं। हे सियोन, उठ और दाव, मैं तेरे सिंगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी।